हेलो ओपियम लवर्स एंड मुझे पता यार कि आप सबको वन पंच मैन कितना पसंद है और इसलिए गाइस आज मैं ले आया हूँ आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव बिल्कुल नया और ये किसी के पास नहीं होगा साइटामा वर्सेस टाकसुमाकी की फाइट जो कि अभी तक मांगा में हुई भी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली अगले चैप्टर में होगी, लेकिन ये फाइट मैं आपके लिए एडवांस में ले आया हूँ भाई और ये सही में बहुत ही मजेदार होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है एंड वो ये है कि यह है एक फैन मांगा, लेकिन फैन मांगा सुनने के बाद आप डिसहार्टेड मत हो जाना क्योंकि ये फैन मांगा भी यार सही में काफ़ी मज़ेदार है और इसका आर्ट स्टाइल भी काफ़ी ही टॉप नॉच है। तो आज की वीडियो में मैं इसी मांगा को कवर करने वाला हूँ एंड ये पूरा का पूरा मांगा मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा और मैं यार ये आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सही में बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। लेकिन इसलिए आपको क्या करना है, यू नो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड और मैं वैसे तो लाइक एम नहीं देता हूँ लेकिन आज मैं आपको अपना लाइक एम दे रहा हूँ एंड वो होगा 1K लाइक्स का। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वन पंच मैन की फैन मांगा भी कवर करना शुरू कर दूँ देन यार आपको ये पूरा करना ही होगा और ये सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यार अगर गोल है हमारा 10K सब्सक्राइबर का तो यार प्लीज़ कर देना वो भी। और अब बिना किसी देरी के ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम सम सिविलियंस जो कि यहाँ पर अपने घर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक लोली टंग नाम का मॉन्स्टर जो कि एक टाइगर लेवल मॉन्स्टर होता है वो इन पे हमला कर देता है और यहाँ पर एक हीरो जरूर हीरो बनने की ट्राई करता है और यहाँ पर उनको बचाने के लिए आता है लेकिन ये मॉन्स्टर उसको एक ही पंच में टैंक टॉप मास्टर बना देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर उस छोटे बच्चे को चाटता है एंड चाटने के बाद उसको खाने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर अपनी टाकसुमाकी आ जाती है और यू गाइस आर सो नोइज़ी बोलकर अपने एक अटैक में ही उस मॉन्स्टर को मार देती है जिसके बाद यहाँ पर टाकसुमाकी उस छोटे बच्चे को बचा लेती है एंड अपने माँ को लौटा देती है। और यहाँ पर वो जाने से पहले कह देती है कि यहाँ पर वो क्लीन अप क्रू जल्दी आ जाएगा और वो जो हीरो जो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया था वो हीरो अभी तक जिंदा है। और अब इसके अगले पेज पे भी अगेन से टाकसुमाकी जो कि आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही होती है और यहाँ पर वो उसी फाइट को रिकॉल कर रही होती है जो कि उसने अभी की थी एंड यहाँ पर वो उस हीरो को लांतन दे रही होती है जो कि एक मुक्के में मर गया था और तभी उसको अपने बारे में भी याद आता है कि ये भी उसी तरह मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में पेली गई थी। और तभी यहाँ पर टाकसुमाकी को बाहर से आवाज़ें आती हैं और जब वो बाहर देखती है देन वो देखती है अपने साइटामा गंजू एंड जैनस को और यहाँ पर जैनस एंड साइटामा भी टाकसुमाकी के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर मेरे ख्याल से टाकसुमाकी ने पहले भी साइटामा को बहुत ही बेइज्जत किया है तो यहाँ पर इसी बात को लेकर जैनस बहुत ही गुस्से में रहता है एंड वो साइटामा से टाकसुमाकी को सबक सिखाने की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर साइटामा कहता है कि ओ क्या हम इसके बारे में बात उस नदी के पास जाकर करेंगे और तभी यहाँ पर टाकसुमाकी भी निकल के आ जाती है एंड वो अगेन साइटामा को लान तान देना शुरू कर देती है और कहती है कि ए गंजे तुम्हारा सिर मेरे आंखों में चुभ रहे हैं और इधर से चले जाओ। और ये सब सुनकर अगेन जैनस को बहुत ही गुस्सा आता है और उससे अपने मास्टर की बेइज्जती सही नहीं जा रही होती है और इसलिए वो टाकसुमाकी से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल अपने मास्टर के सामने सॉरी बुलवाऊंगा और यहाँ पर वो टाकसुमाकी को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद ये सब उस रिवर के पास आ जाते हैं और यहाँ पर टाकसुमाकी कहते हैं कि ओके अब मैं तुम्हें अपने रियल पावर की एहसास दिलाऊंगी जिसके बाद तुम मेरे को कभी भी इग्नोर नहीं कर पाओगे इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। और अब यहाँ पर जैनस कहता है कि ओके मास्टर वॉच मी अब मैं इस ब्रैड को क्राई करवाऊंगा एंड फॉरगिवनेस के लिए बैक करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर साइटामा इज बीइंग साइटामा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके बिहाइंड में क्या चल रहा है वो अभी भी उस रिवर के नेम को लेकर कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर भाई जैनस तो अपना अटैक कर देता है लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर टाकसुमाकी जैनस से बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो अपने एक अटैक में उसको पता नहीं कौन से कोने में फेंक देती है। और इसके बाद वो अब साइटामा को चैलेंज करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ एंड मेरे से बेवकूफों से एक्ट मत करो क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक रियल इनविंसिबल हीरो का मतलब क्या होता है सो फाइट मी भाला। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद साइटामा कहता है यार कि ये क्या बचपना है इनविंसिबल हीरो तुम सबके पास सही में बहुत सारे अनोइंग एड्रेस है ना और अगर तुमको कुछ करना ही है तो मेरे को इस रिवर का नाम देख कर बताओ। जिसके बाद टाकसुमाकी कहती है कि इस रिवर का नाम इस रिवर के दूसरे साइड पे एक साइन है एंड मैं अपने 1000 लीक आई एबिलिटी की वजह से उसका नाम देख सकती हूँ। तो यहाँ पर साइटामा कहता है कि फिर मुझे बताओ ना उसका नाम क्या है और तब यहाँ पर टाकसुमाकी गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें उसका नाम जानना है तो मेरे से तुम्हें पहले फाइट करनी होगी और वरना अपने नीज पे बैक करो इसका नाम जानने के लिए। और तभी यहाँ पर वो अपने साइकिक एबिलिटी से साइटामा को जमीन के अंदर घुसेड़ देती है और यहाँ पर साइटामा को ऑफकोर्स कोई भी स्क्रैच भी नहीं आता एंड यहाँ पर वो कहता है कि हाँ
एक मैजिक ट्रिक, क्या मुझे इस पे सरप्राइज होना है क्या? और यहाँ पर देन टासुमा की रिवील करती है कि वो अपना इतना प्रेशर लगा रही है साइडम के ऊपर कि एक नॉर्मल बॉडी पूरी तरह से जमीन के कोर में पहुंच जाती, अर्थ के कोर में चली जाती एंड तबाह हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स साइडमा ऊपर से बाहर निकलने लगता है और ये देख कर टासुमा की पूरा शौक हो जाती है। साइडमा इधर कहता है कि तुम सही में इस तरह फाइट करना चाहते हो मेरे से, और अगर हमने इस तरह फाइट की भी तो हम इस अर्थ को तबाह कर देंगे एंड ऊपर से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान भी ले लेंगे, और क्या सही में एक हीरो ये करना चाहेगा? और ये सुनकर ऑफ कोर्स टासुमा की भी शौक हो जाती है। और यहाँ पर साइडमा कहता है कि अगर तुम्हें किसी को भी चैलेंज करना है तो उसको चैलेंज करने के लिए एक ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग वे भी होते हैं। तो यहाँ पर टासुमा की कहती है कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुम कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पर देन साइडमा कहता है कि किंग के पास उसके जगह पर बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं एंड हम उस वीडियो गेम में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन असली विनर है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर टासुमा की ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है। और अब यहाँ पर साइडमा कहता है कि ओके चलो यार कोई बात नहीं, उस रिवर का साइन देख रही हो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उस रिवर का नेम चेक करने के लिए और तुम अपनी पावर से मुझे रोकोगे और तुम जो मर्जी वो कर सकती हो एंड अगर मैं वहाँ पर 5 मिनट में ही पहुँच गया देन मैं जीत गया और तुम्हें मुझे फिर जाने देना होगा क्योंकि मुझे गेम्स खेलनी है और अगर तुम जीती देन तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, तो ब्रिंग इट ऑन। और यहाँ पर अपने गंजू का कॉन्फिडेंस देख कर टासुमा की भी इम्प्रेस हो जाती है। और इसके बाद हमको उन सिविलियंस को अगेन दिखाया जाता है जो कि हमको पहले पेज पे दिखाए गए थे, और यहाँ पर उनको लगता है कि टासुमा की एंड साइडमा को ना कोई गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर टासुमा की अपना पूरा जोर लगाती है साइडमा को रोकने के लिए, लेकिन साइडमा यहाँ पर नहीं रुकता। और इसके बाद मेरे ख्याल से टासुमा के को भी साइडमा का रियल पावर पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पर टासुमा की पूरा शौक हो जाती है कि मैं अपनी पूरी पावर लगा रही हूँ लेकिन स्टिल ये बंदा साला रुक ही नहीं रहा। और तब वो साइडमा से कहते हैं कि हाउ कैन यू मूव, ये मेरा सीरियस बॉडी बाइंड मूव था लेकिन स्टिल तुम इसमें मूव कैसे कर पा रहे थे, एंड हाँ ये मेरा बस 1% ही सीरियस था, जो कि ऑफकोर्स झूठ है। और फिर यहाँ पर साइडमा कहता है कि यप मुझे बस चलने से पसीने आ गए, तो ये एक बहुत ही सही एक्सरसाइज भी है। तो अब यहाँ पर टासुमा के उसको रुकने के लिए कह रही होती है और साइडमा कहता है कि नोप अगर मैं रुका तो मैं हार जाऊँगा, मैं तो भागने लगा हूँ। तो यहाँ पर इनका ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अगेन उन सिविलियंस पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है एंड अगेन वो उस बच्चे को ही चाटने लगता है। लाइक क्या यार ये, मतलब ये क्या बच्चिया ऑब्सेशन है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर साइडमा एंड टासुमा के इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टासुमा की बहुत ही स्लो हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी इस फाइट में वेस्ट कर दी होती है। और यहाँ पर साइडमा अपना फुल स्पीड में जाता है एंड उस मॉन्स्टर को एक पंच में ऑफकोर्स अपने मार देता है और उस बच्चे को सेकेंड टाइम बचा लेता है। एंड ये टासुमा की भी देखती है एंड अगेन वो सरप्राइज हो जाती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर जाते समय वो बच्चे इन दोनों को एक एक ट्रॉफी पकड़ा देती है एंड यहाँ से उनको थैंक यू करते हुए चली जाती है। और यहाँ पर साइडमा कहता है कि ये बच्ची एक दिन में 2-2 बार बच गई, तो मुझे नहीं पता मुझे किसको थैंक यू करना चाहिए, इनके लक को या हीरोज को। और यहाँ पर टासुमा की कहती है कि तुम्हें अपने आप को थैंक यू करना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी सर के सारे तुम में लगा दी लेकिन स्टिल तुम मेरे उस बॉडी बाइंड अटैक को ओवरकम करके इतना तेज रिएक्ट कर पाए एंड उस मॉन्स्टर को हरा पाए, क्योंकि अगर हल्की से भी कोई देरी हो जाती तो वो बच्ची मर जाती। तो यहाँ पर साइडमा टासुमा को कहता है कि किसी की जान बचाना कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। और तब यहाँ पर अपने जैनस की अगेन एंट्री होती है। तो यहाँ पर साइडमा जैनस को बिल्कुल सही सलामत देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि हमने यार जब भी इस जैनस को देखा है किसी भी अटैक के बाद तो वो हमको टूटा फूटा ही दिखाई देता है। और यहाँ पर अगेन वो टासुमा की को चैलेंज करता है राउंड 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर टासुमा की अपनी हार मान लेती है और यहाँ से जाने लगती है एंड वो साइडमा को अस विनर डिक्लेयर कर देती है। तो यहाँ पर साइडमा कहता है कि ओके मैं तुम्हारा किसी भी दिन अपोनेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जैनस कहता है कि जिस तरह का इसका हाल लग रहा है मेरे ख्याल से इसको पता चल गया है कि मेरे मास्टर कितने स्ट्रांग हैं और तुम मेरे पास जितनी बार भी तुम्हें फाइट करनी उतनी बार आ सकती हो, लेकिन तुम किसी भी हीरोज को या सिविलियंस को परेशान मत करना। तो अब यहाँ पर जैनस एंड साइडमा जाने लगते हैं और यहाँ पर साइडमा कहता है कि चलो जैनस हमको यहाँ से जाना होगा क्योंकि किंग हमारा वेट कर रहा होगा एंड हमें अभी भी इस रिवर का नाम जानना है। और तभी यहाँ पर अगेन टासुमा की साइडमा को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और उसको अगेन चैलेंज कर देती है ये कहकर कि साइडमा का एटीट्यूड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड वो अगेन साइडमा से फाइट करना चाहेगी। तो यार ये पता नहीं क्या ही था। लेकिन अब यहाँ पर हम अगले पेज पे देखते हैं टासुमा की को जो कि किंग के प्लेस पे रहती है और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर वो किंग से कह रही होती है कि तुम इस गंजू से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तब भी तुम इसके साथ क्यों टाइम स्पेंड करते हो।
जिसके बाद यहाँ पर आप किंग कहता है कि यार साइटामा तुम इसको अपने घर क्यों लिया है। तो यहाँ पर साइटामा कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया था और ये मेरी ड्यूटी है अस हीरो। और यहाँ पर टासुमा किंग की बात सुन लेती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। एंड मुझे पता है कि ये बहुत ही रॉन्ग साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसी के साथ अपना यार ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड यप, इतना ही था ये पूरी पूरी मांगा। तो यार ये फैन मांगा मुझे पता है कि बहुत ही मज़ेदार थी, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा जिस तरह मैंने इसको रीड किया है। एंड आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसे ही और ओपीएम के फैन मांगा के ऊपर वीडियो चाहिए देन आपको यार इस वीडियो पे 1K लाइक्स करने ही होंगे। एंड ऑफकोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारा गोल मत भूलना जो कि है 10K सब्सक्राइबर्स का। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ कमेंट कर देना यार कि आपको वीडियो कैसे लगी है, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा आपके कमेंट्स पढ़कर। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।